नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन से इज अ प्रोटॉन कैरिंग वन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कानेटिक एनर्जी इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड सवाल है व्हाट शुड बी द एनर्जी ऑफ एन अल्फा पार्टिकल टू डिस्क्राइब द सर्कल ऑफ सेम रेडियस इन द इन द सेम फील्ड हमारे ऑप्शन है टू मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट वन या फिर फोर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगेन सिंपल सवाल है ये बात अपने को पता है कि कोई भी पार्टिकल अगर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसका रेडियस जो है उसको आर को हम लिखते हैं एम वी डिवाइडेड बाई क्यू बी ये आपका रेडियस uh, की वैल्यू हम लिखते हैं इसी को हम uh, और uh, Uh, एक तरीके से लिख सकते हैं ये हो जाएगा P डिवाइडेड बाय क्यू बी और इसी को हम लिखते हैं टू एम के डिवाइडेड बाय क्यू बी वे के इज कानीटिक एनर्जी एम उसका मास है अगेन ये P को जब हम कन्वर्ट करते हैं कानीटिक एनर्जी के टर्म में एक पार्टिकल के लिए सो दिस इज वॉट वी कैन राइट तो इस बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि जो आपकी कानीटिक एनर्जी है कानीटिक uh, एनर्जी वो हो जाएगी अगर दो तरफ स्क्वायर कर दें ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू एम नाउ इस केस में क्योंकि दो पार्टिकल हैं उनके बीच में जब हम बात कर रहे हैं हमें यहाँ पे आपका बी कांस्टेंट दिया हुआ है आर कांस्टेंट दिया हुआ है क्यू और एम दोनों के अलग अलग हैं सो इस केसेज में इस केस में हम ये कह सकते हैं के जो है वो आपका प्रोपोर्शनल होएगा क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम के सो बस यहाँ पर अपने कोई दो वैल्यू रखनी है आपने को पूछा है का अल्फा पार्टिकल की कानेटिक एनर्जी कितनी होएगी सो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कानीटिक एनर्जी ऑफ एल्फा डिवाइडेड बाय कनेटिक एनर्जी ऑफ इक्वल टू चार्ज ऑफ एल्फा डिवाइडेड बाय चार्ज ऑफ प्रोटॉन उसका स्क्वायर बिकॉज ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके बाद इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मास के तो इसको हम यहाँ लिख सकते हैं मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय मास ऑफ एल्फा पार्टिकल इसके कानीटिक एनर्जी ऑफ प्रोटोन को भी उधर हम ले जाए सो कनेटिक एनर्जी ऑफ एल्फा विल बीवल टू क्यू एल्फा डिवाइड बाई क्यू प्रोटॉन की अगर हम बात करेंगे सो so ये जो वैल्यू आएगी uh, ये उनके ऊपर चार्ज तो ये चार्ज का रेश हो जाएगा टू बाय वन का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय मास के जब हम बात करेंगे ये हो जाएगा वन बाय फोर मल्टीप्लाइड बाय कानेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन ये वैल्यू अपने को वन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखी है सो कानीटिक एनर्जी ऑफ एल्फा हो जाएगी ये ये बनेगा टू का स्क्वायर यानी फोर 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 कैंसिल हो जाएगा यानी कि वन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं कि आपका ऑप्शन नंबर बी वन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट वुड बी द राइट आंसर